दोस्तों तमिल स्टार सूर्या इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कंगुआ की शूटिंग में व्यस्त है। अपनी 42वीं फिल्म को लेकर सूर्या लंबे समय से चर्चा में बने हुए हैं और फैंस भी इस पीरियड ड्रामा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका निर्देशन सिरुथाई शिवा कर रहे हैं। पिछले साल से यह फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है, जिसकी वजह से सूर्या के चाहने वालों को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं। फिल्म को 2024 में 10 से अधिक भाषाओं में रिलीज करने की योजना है। स्टूडियो ग्रीन और यूबी क्रिएशन के बैनर तले बन रही कंगुआ में दिशा पाटनी भी अहम भूमिका में है। यह पहला मौका है जब दोनों कलाकार एक साथ स्क्रीन साझा करने वाले हैं। इस बीच फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि निर्माताओं ने फिल्म के OTT अधिकार बेच दिए हैं और मीडिया रिपोर्ट की माने तो सिनेमाघरों के बाद कंगुआ हिंदी को छोड़कर सभी भाषाओं में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जा सकेगी। रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म को 80 करोड़ में OTT प्लेटफॉर्म पर बेचा गया है। आपको बता दें कि तमिल सिनेमा का यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सौदा है। इससे पहले दलपति विजय की आगामी फिल्म लियो के राइट्स 120 करोड़ रुपए में नेटफ्लिक्स पर बेचे गए थे। सूर्या फिल्म में एक योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं और इसकी कहानी को कथित तौर पर 16वीं सदी में सेट किया गया है। बात करें अभिनेता की अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में तो इसके बाद वह वादी वसल नाम की फिल्म में नजर आने वाले हैं और इस थ्रिलर फिल्म का निर्देशन वेत्री मारन कर रहे हैं।